गाइस पीएफपी नंबर वन को देखो और ये आईआईटी पूछ चुकी है और क्वेश्चन बड़ा दमदार है, जबरदस्त है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। एक आपके पास ट्रक है, ट्रक बना लेता हूँ मैं, एक बड़ा सा ट्रक बना लेता हूँ। ये देखो मेरे पास एक ट्रक है और इस ट्रक के अंदर यहाँ पर कहीं केबिन में एक मास रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मास, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ये अब लगा ट्रक, एक ट्रक है, इसके अंदर ये मास एम रखा हुआ है और जो कि 1 किलोग्राम का, तो ये 1 किलोग्राम का मास यहाँ पर रखा हुआ है। हमसे कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जब भी आपको कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दे तो आप इससे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6। मतलब यहाँ पर ये आपको पता है ये ब्लॉक है, ब्लॉक का सरफेस और ट्रक के सरफेस के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये 0.6 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा आ गया इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ट्रक भैया जो है ये आगे को चलना शुरू कर दिए और इनका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे कह रहा कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ को लगेगा, तो आपसे कह रहा है ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन किस तरह से होगा? तो इसको निकालने के लिए आप पहले ये देखें कि स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के अगर ऊपर वैल्यू निकलती है फ्रिक्शनल फोर्स की देन ये मूव करेगा, लेकिन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा अप्लाइड फोर्स है तो कहीं ना कहीं ये रुका हुआ होगा, ये तो आपको पता है। तो आप पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके ये देख लें कि यार लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो आप कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो निकलता है जिसको आप एफ एस कह रहे हो ये होता है म्यू के इंटू एम जी से। मैं लिमिटिंग निकाल रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये सॉरी ये एफ के लगा दिया काइनेटिक वाला, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मुझे एफ एस निकालना है। म्यू एस क्या है, ये कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज 0.6। इसका मास कितना, 1 किलोग्राम का, और जी की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लें 9.8 यूज़ करें, चलो 10 यूज़ कर लेते हैं, नहीं यार 9.8 यूज़ करो, 9.8 यूज़ कर लिया तो 9.8 की 0.6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप ऐसा कर दो 98 की 6 से मल्टीप्लाई, 8 × 48 = 8, हाँ से लगे 4 और 9 × 56, 54 और 4 कितना हो गया 58, पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 2 के बाद, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5.88 न्यूटन। तो जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आई है वो आई है 5.88। इसका मतलब ये है कि ट्रक ने जो अप्लाइड फोर्स लगाया होगा, क्योंकि ट्रक जब आगे को मूव करेगा तो जाहिर सी बात है ट्रक के अंदर रखा हुआ डब्बा भी उतने ही एक्सीलरेशन से आगे को मूव करेगा, क्योंकि ये भी तो ट्रक के अंदर रखा हुआ है, तो इसका भी एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ये पता लग जाता है कि अगर हम अप्लाइड फोर्स इससे ज़्यादा लगा दें, अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से अगर ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट डब्बा आगे को मूव करेगा, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई अप्लाइड फोर्स है तो ये डब्बा हिलेगा नहीं। तो आप यहाँ पर अब ये चेक करके देखें कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो आप कहेंगे फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स निकलता है एम इंटू ए से, मास कितना है इसका 1 और एक्सेलरेशन कितना 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 न्यूटन। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है आगे को वो है 5 न्यूटन का, और कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के हिसाब से जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आया वो आया 5.88 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.88 तो ये लिमिटिंग वैल्यू है, अगर इस वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, इस वैल्यू से ज़्यादा अगर अप्लाइड फोर्स हो गया तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक आगे को मूव करेगा, लेकिन चूंकि 5.88 जो है ये लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, और अभी जो ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है सिर्फ 5 न्यूटन का लग रहा है,
तो अभी 5 न्यूटन का फोर्स तो 5.88 से बहुत छोटा है, तो ब्लॉक जो है मूव नहीं करेगा, रुका रहेगा। तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि जो फोर्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अभी बड़ा है, अप्लाइड फोर्स है। तो जब ये बड़ा होता है ना और अप्लाइड फोर्स कम होता है, तो जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। समझ के चलें कि एक मैं हूँ, अगर मुझको खींचा जाएगा तो एक लिमिट है कि 10 न्यूटन का फोर्स मुझे खींच सकता, तो 10 न्यूटन फोर्स मेरी एक लिमिट हो गई। अगर मुझ पर कोई 2 न्यूटन का फोर्स लगा कर खींचना चाहेगा तो जो मेरे पास एक तरह से रेजिस्टेंस फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगी वो 2 न्यूटन की ही होगी। तो ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इस हिसाब से 5 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अभी लिमिटिंग को क्रॉस करके गई नहीं है, लिमिटिंग के अंदर ही अंदर है। तो जितना अप्लाइड है उतना ही आपका ये आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो होप सो समझ में आ गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।